नीचे से कौन है? नीचे से नीचे से ना तो ठीक नीचे से अरे नीचे से वही तो ठीक है। हेलो हां तो दोस्तों आज दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे लोदीपुर के प्रांगण में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है जो कुछ क्षणों में स्टार्ट होगा दोस्तों, जिसका उद्घाटन करता रालोसपा प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सचिव पप्पू वर्मा जी आप लोगों के सामने कुछ ही क्षणों में उद्घाटन करेंगे। और हमारे कमेटी के अध्यक्ष मनोज सिंह, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र विश्वकर्मा उर्फ जॉनसन, सचिव निर्भय लाल, उप सचिव संजीव कुमार, कोषाध्यक्ष मिथिलेश सिंह, उप कोषाध्यक्ष आगे से थोड़ा सा हटे और ले लिए ना यार दोस्तों, लोदीपुर में दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन होने जा रहा है दोस्तों, रालोसपा के प्रदेश सचिव पप्पू वर्मा जी कुछ क्षणों में आप लोगों के सामने उद्घाटन करेंगे दोस्तों। दोस्तों दर्शक बंधुओं आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा पप्पू वर्मा जी को जो उद्घाटन करता। अब मैं रालोसपा के महासचिव पप्पू वर्मा जी को आप लोगों के सामने कुछ मुख्य बातें रखने के लिए कुछ बातों रखने के लिए बोल रहा हूं। उससे पहले जो उद्घाटन करता पप्पू वर्मा जी हैं उनसे पहले हम अपने दुर्गा पूजा के जो हमारे अतिथि का आए हुए हैं उद्घाटन कर्ता के रूप में माननीय पप्पू वर्मा जी जो रालोसपा के प्रदेश महासचिव है एवं सम्मानित अतिथिगण एवं मंच पर बैठे लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ। मैं दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर जो आए हुए हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा उसका आप लोग लुत्फ लें, आनंद लें और विशेष रूप में जो आपसे भाषण देंगे हमारे उद्घाटनकर्ता पप्पू कुमार वर्मा जी उनको सुने और लाभ। थैंक यू। अब मैं करती प्रखंड के रालोसपा के करती प्रखंड अध्यक्ष सुदर्शन जी को आमंत्रित कर रहा हूँ जो लोगों के सामने अपनी कुछ बातें रखेंगे। दुर्गा पूजा के इस शुभ अवसर पर आज इस मंच से जो बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनके लिए मैं स्वागत करता हूँ और इस दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मनोज सिंह और हमारे अभिभावक लालू बाबू जी और रालोसपा के आए हुए हमारे प्रतिनिधि प्रभु वर्मा जी को अभिनंदन करता हूँ और जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। दोस्त आज दुर्गा पूजा मनाया जाता है, अच्छाई को जो बुराई को जीत हुआ है उसके लिए, लेकिन क्या
एक रावण को मर जाने से पूरा बुराई समाप्त नहीं हो गया। आज हमारे समाज में जो कमियां है, जो बुराइयां है, उसको भी समाप्त करने की जरूरत है। आज सोचिए कि हमारे देश में वो फोटा पहन कर राम रहीम जिसे पैदा होते हैं, आसाराम जिसे पैदा लेते हैं, इनके क्या है ये, किस तरह के वो जो बहुत पहले रावण हुए उस रावण से भी ये भयंकर राक्षस है। ऐसे लोगों की और ऐसे परिस्थिति को से दूर रहना चाहिए। हमारा दोस्त हमारे अभिभावक और दुर्गा पूजा जो अच्छाई की जीत हुई है बुराई पर, उस अच्छाई को बरकरार रखने के लिए मैं आपसे आप सभी से तय दिल से आग्रह करूंगा कि कभी भी अपने दिल में बुराई को नहीं रखेंगे, केवल अच्छाई को ही रखेंगे और अच्छाई को लेकर ही आगे चलेंगे। इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। और यहाँ पर रालोसपा के महासचिव जो पप्पू वर्मा जी, जो हमारे वॉलंटियर को या सदस्य लोग को जो यहाँ पर आई कार्ड मिला हुआ, जो अपने अपने हाथों से बारी बारी से कहलाएंगे, पप्पू वर्मा जी, मनोज सिंह अध्यक्ष दुर्गा पूजा के, जोरदार से तालियों से स्वागत दोस्तों। अब धर्मेंद्र कुमार जो उप अध्यक्ष पुलिस कमांडर से, अब सचिव निर्भयलाल उप सचिव संजीव कुमार उप नेताजी, कोषाध्यक्ष मिथिलेश सिंह, उप कोषाध्यक्ष गौतम कुमार उर्फ लालू, जो हमारे स्टेज के डायरेक्टर गौतम कुमार और रंजीत कुमार, अभी फिलहाल उनको कुछ जरूरी काम पड़ गया था, हुई यहाँ नहीं है। अब हमारे कमेटी के जो भी सदस्यगण हैं बारी बारी से आएंगे। अब सदस्य इस दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष जी, आदरणीय बड़े भाई मनोज वर्मा जी, हम लोग के गार्जियन और पुराना अभिभावक है आदरणीय लालदेव बाबू, हमारे बड़े भाई बगल के साथी हैं कमलेश जी, अमित जी, रंजीत जी, गोपाल जी, गौतम जी, धर्मेंद्र विश्वकर्मा जी, हम लोग के साथ चल के आए हैं पार्टी के प्रदेश युवा के सचिव हैं रमेश कुशवाहा जी, कपी प्रखंड के अध्यक्ष हैं और जुझारू साथी हैं पार्टी का छोटे भाई सुदर्शन कुमार जी, पार्टी के नेता हैं हमारे राम प्रवेश यादव जी, तमाम लोधीपुर के तमाम नौजवान साथियों, गार्जियन, अभिभावक मित्रों, कार्यक्रम होना चाहिए। कार्यक्रम होने से दिल में दिल मिलता है, प्रेम उत्साह बढ़ता है। मित्रों, इन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि पप्पू भैया हमारे पास समय दीजिए, हमको चार जगह जाना था, हम एक जगह हनुमान में हम कैंसिल कर चुके पूरा। हम आपके बीच आए हैं, आप लोग ने जानते हैं हम और हमारा पार्टी
शिक्षा के मामले में भी हम लोग पूरा जिला से लेकर बिहार तक हम लोग दौरा कर रहे हैं और पप्पू वर्मा निःशुल्क अपने बच्चों को नाम लिखवाने का काम करेगा। धन्यवाद दोस्तों, एक बार माता रानी।